आज ही 9th क्लास हमने सेकंड आपके पोएम सेक्शन में रेन ऑन द रूफ पोएम चल रही है। दूसरा एसटीजी फर्स्ट पढ़ लिया था, आज है हमारा स्टेटमेंट नंबर सेकंड। एवरी टिंकल ऑन द फिंगर, एवरी टिंकल ऑन द सिंगल has an echo in his heart, has an echo in his heart, dusra and a thousand dreamy fancies and a being start and a thousand recollection and a thousand recollections weave their hair thread into who weave their hair thread into who as I listen to the patter as I listen to the patter of the rain upon the roof of the rain upon the roof ठीक है। ये आपके स्टेज सेकंड है, इसमें क्या कह रहा है, टिंकल यानी टन टन की आवाज, सिंगल यानी जो छत पर तख्ते लगे रहते हैं उनको हम सिंगल कहते हैं, इको यानी गूंज, कल्पनाएं या व्यक्ति यानी पर्सन से है, यादें और एयर थ्रेड हवाई यानी काल्पनिक, थ्रेड यानी धागा, पाना पाना यानी बोलना, लिसन यानी सुनना। अब देखना प्रत्येक टन टन की आवाज, प्रत्येक टन टन की आवाज किस पर, जो पोटेंज के जो ऊपर तख्ते लग रहे हैं रूप बनाने के लिए, रूप बनाने के लिए जो लकड़ी के तख्ते यानी पोटेंज की छत है वो लकड़ी की बनी हुई है तो तख्ते लगाए गए हैं उस पर बारिश गिरती है तो टन टन की आवाज टिंकल यानी आवाज वो उसके हृदय में गूंजती है और जब गूंजती है तो उसी के साथ यानी और हजारों की संख्या में जो स्वप्न की काल्पनिक कल्पनाएं शुरू हो जाती है इसमें वह बिजी हो जाता है, शुरू हो जाता है, बिजी होना शुरू हो जाता है कौन पॉइंट, और हजारों की संख्या में जो यादें हैं उसके भूतकाल की वो बुनने लग जाती है हवाई धागों यानी काल्पनिक धागे के रूप में ताना बाना। कब ये कब होता है, जब वह सुनता है टप टप की आवाज इसकी रेन की, इसके ऊपर उस पोटेज की छत के ऊपर। ये आपके स्टेंजा नंबर सेकंड। नाइन्थ क्लास स्टेंजा नंबर सेकंड की हमने यहाँ पे रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन किया है रेन ऑन द रूफ का, जब भी हमने आपको पढ़ाया कि ये लाइनें ली गई हैं पोयम रेन ऑन द रूफ से कंपोज किया गया है पोएट्स के द्वारा, कंपोज यानी रचित किया गया है। दीज लाइन्स आर अबाउट, ये लाइन किस बारे में है, एक बारिश के बारे में एंड इट्स कनेक्शन जो है इसका कवि के साथ है
इस एंजॉय में आनंद तो ले रहा है रेन ड्रॉप्स के साउंड का, जो कि उस के स्पिनर अपने बेड पर लेट कर, और वह खो चुका है अपने इमेजिनेशन, अपनी कल्पना में। एक्सप्लेनेशन देखिए, द पोएट गिव्स ए ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन। कवि एक मैं सुंदर वर्णन प्रस्तुत करता है रेन के बारे में। He says when every sound of rain drops create an echo in his heart। वह कहता है कि जब प्रत्येक साउंड रेन का उसके हृदय में गुजरना होता है तो उसका जो हृदय, तो वह खुद रिजीव होना शुरू कर देता है ड्रीमी कलेक्शन, ड्रीमी इमेजिनेशन, स्वप्न जैसी कल्पनाओं में, एंड थाउजेंड रिकलेक्शन, और हजारों जो उसकी यादें हैं, स्मृतियां हैं उसके पास्ट की, उसमें वो खो जाते हैं। ये जो प्रोसेस है उसके विचारों की, दिस प्रोसेस ऑफ थॉट्स, वो किस तरह से है, जैसे कोई हवाई दाना बाना, एयर थ्रेड वीविंग यानी बुन रहे हैं, हवाई दाना बाना इनटू वूफ, वूफ वूफ का मतलब दाना बाना होता है, और हवाई यानी ये कल्पनाएं हैं, एयर थ्रेड मन में जो सोच रहे हैं उसको हम एयर थ्रेड से सिंबॉलिक लाइन में यूज कर रहे हैं। और दिस इज ऑल हैपन इसमें जब घटित होता है, जब जो छोटी ड्रॉप्स होती हैं, लिटिल ड्रॉप्स रेन की, हिट करती हैं उसकी छत को, जो कि कभी भी पोटेज की है। ये सब साउंड एक टप टप की आवाज का है, की तरह, ठीक है। हाँ जी, स्टेंजा नंबर थर्ड देखिए, वेन द रूम का स्टेंजा नंबर सेकंड के बाद आता है आपके थर्ड। नाउ इन मेमोरी कम्स माय मदर, नाउ इन मेमोरी, नाउ इन मेमोरी Now in memory comes my mother, comes my mother, and she used in years ago, as she used in years ago, in years ago, to regard the darting dreamers, to regard the darting dreamers, ere she left them, ere she left them, till the dawn, till the dawn, oh I feel her horn, oh I feel her horn, look on me, look on me, as I list to this refrain, as I list to the refrain, which is played upon the shingles, which is played upon the shingles, by the patter of the rain, by the patter of the rain, ठीक है। तो इसका हिंदी अर्थ क्या है, पहले इसकी मीनिंग देख लीजिए। इसमें कह रहा है, लास्ट स्टेंजा है ये, मेमोरी का मतलब भी याद होता है, ठीक है। उसके बाद अगोन यानी बीते हुए, अगोन यानी बीते हुए। उसके बाद रिगार्ड का मतलब होता है
इन्हें डार्लिंग यानी प्रिय, ठीक है, और ड्रीमर्स का मतलब स्वप्न देखते हैं, जो स्वप्न देखने वाले। एरे का मतलब होता है पहले, यानी बिफोर, पुरानी इंग्लिश में बिफोर का एरे कहते हैं पहले। उसके बाद लिख रखा है डान यानी ऊषाकाल, ऊषाकाल यानी भोर, सुबह का टाइम, सूरज उगने से पहले ही जो लाइट होती है, जो प्रकाश होता है। लिस्ट का यानी सुनना, फील और फॉन्ड, फॉन्ड का मतलब है अफेक्शन यानी इसने, लिस्ट यानी सुनना, विच इज प्लेड अपॉन द सिंगल्स एंड रिफ्रेन। अनवरत यानी लगातार, बाकी सब जाने पहचाने हैं। नाइन द मेमोरी कम्स माई मदर, फिर ये कहना चाह रहा है कि अब स्मृति में मेरी माँ जो अब जीवित नहीं है। नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर एज शी यूज्ड इन ईयर्स अगोन, यानी बीते वर्ष में जो अब उसकी माँ से, अब से जितने भी कल्पना है उसकी माँ की याद उसे आने लग जाती है। कहने का अर्थ है कि अब उसकी स्मृति में मेरी माँ, अब स्मृति में मेरी माँ उसी प्रकार से आ जाती है जिस प्रकार से वह विगत वर्षों में प्रिय स्वप्न दृष्टाओं को स्वप्न में आया करती थी, ऊषा काल से पूर्व उन्हें छोड़कर चली जाती थी। मुझे आश्चर्य है कि उसकी यानी माँ कि इसने भरी दृष्टि को उसी प्रकार से अनुभव कर पाता हूँ जिस प्रकार वर्षा की आवाज़ से उसको सुनता हूँ, छत के तख्तों पर टप टप की गिरने की उत्पन्न होती है। तो ये इसमें लिखा गया है, देखिए, नाउ इन द मेमोरी कम्स माय मदर, अब जो याद में मेरी माँ की याद मुझे आती है वो पीछे पुराने बीते हुए वर्षों में कैसे मुझे किस प्रकार से प्यार करती थी, प्रेम करती थी, उसी का वो संबोधित करके कहता है कि वो मेरी डार्लिंग ड्रीमर्स थी, यानी मुझको सपन दिखाती थी, मुझको प्रेम करती थी, मुझको कहानी सुनाती, पोएम सुनाती, तो मैं उसी की सुनाई हुई बातों को कल्पना में से जोड़ देता था। उससे पहले शी लेफ्ट और मुझको कहानियाँ और लोरी ऐसे करके सुलाने के बाद वो मुझको सुबह रात को सुला देती और सुबह मुझसे पहले उठकर चली जाती थी काम करने के लिए, घर के काम करने के लिए। मेरी माँ मुझसे पहले उठकर मुझे बिस्तर पर छोड़ के चली जाती थी। ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी, यानी मैं उसके स्नेह को अपने ऊपर महसूस करता हूँ जब मैं सुनता हूँ लगातार एक आवाज जो कि बजती रहती है मेरे उस सिंगलिनी तख्ते के ऊपर। तख्ता किसका है? कॉटेज की छत के, कॉटेज की छत पर लगे हुए तख्ते पर जब वो आवाज पड़ती है, किसकी? बारिश की टप टप की आवाज। उल्टा समझिए, बारिश की टप टप की आवाज जब उसके तख्ते पर यानी रूफ पर, यहाँ पर रूफ ही समझ लो आप इसको, यानी छत के जो तख्ते लगे हुए हैं कॉटेज के, उसके जब बारिश की टप टप की आवाज या बारिश की टप टप की आवाज आती है, कब? जब तख्तों पर बारिश आती है तो वो लगातार बज रहे हैं। कैसे? लगातार रेफरेन, इनकी आवाज को सुन लेता है। उसके बाद सुनने के बाद ये महसूस करता है एक प्रेम को, एक स्नेह को खुद के ऊपर, किसका? अपनी माँ का, ठीक है। Explanation क्या है?
है तो आपको मालूम ही है, रेफरेंस आपको पता ही होगा, ये वही लिखना है। कॉन्टेक्स्ट में देखिए, कॉन्टेक्स्ट क्या कह रहा है, दीज लाइंस आर अबाउट द रेन एंड इट्स साउंड ऑफ ड्रॉप्स, इट कनेक्ट्स द पॉइंट विद हिज मेमोरी ऑफ हिज मदर ऑफ हिज मदर। यानी ये लाइनें हैं कविता के, नहीं ये लाइनें हैं जो ड्रॉप्स का जो साउंड होता है बारिश का उसके बारे में, ये उसको जोड़ता है, ये साउंड उसको जोड़ता है कवि को अपनी माँ की यादों से। एक्सप्लेनेशन इस प्रकार से है, पहले लाइन ये थी कि द पॉइंट प्रेजेंट्स ए ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन अबाउट द रेन, द साउंड ऑफ रेन ड्रॉप्स क्रिएट द इमेजिनेशन इन द माइंड ऑफ पॉइंट। ही थिंक्स अबाउट हिज मदर, वह अपनी माता के बारे में सोचता है। His mother loved him so much and get him to sleep and got him to sleep his mother left him on bed before dawn. This love the poet compares with the sound of rain. ठीक है, कि कभी सुंदर वर्णन प्रस्तुत करता है रेन के बारे में और रेन ड्रॉप्स के बारे में, उसके मन में इमेजिनेशन होता है, दिमाग में वह सोचता अपनी माँ के बारे में, हिज वह उसको बहुत प्रेम करती थी और उसको सुलाती थी और सुलाने के बाद उसको छोड़ देती थी बेड पर, सुबह छोड़कर उसको चली जाती थी। यानी चले जाने का मतलब है उसको बेड पर आम करने के लिए उसको बेड पर ही छोड़ के चली जाती सुबह जल्दी। ये प्रेम को, इस प्रेम को कवि तुलना करता है उस रेन के साउंड से। बिकॉज
love in its sound, क्योंकि वो इस आवाज में अपने माँ के प्रेम को महसूस करता है। ठीक है भाई।